जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का शेप किस तरह का है, यानी कि उसका आकार किस तरह का है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ का एक अपना आकार होता है, वैसे ही पृथ्वी का एक आकार है। पहले ज़माने में ये माना जाता था कि पृथ्वी जो है वह तस्तरी के समान है, गोल नहीं है, वो इसके तरह है, ऐसे ऐसे है ऐसे, और फ्लैट है, तस्तरी है, डिस्क के समान है, इसीलिए तो लोग इस पे रहते हैं। नहीं तो अगर गोल होता तो आदमी क्या होता कि वो तो गिर जाता, वो तो टिकता ही नहीं, ऐसा मान्यता था बहुत पुराने ज़माने में। लेकिन धीरे धीरे ये मान्यता बदल गई और लोगों ने ये समझा कि पृथ्वी जो है वह गोल है। लेकिन भाई साहब, आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि पृथ्वी गोल भी नहीं है, बल्कि यह एक अपना ही शेप में है, उसको बोलते हैं जियोइड शेप। इसको भूगोल वेत्ताओं ने, इसको गणित के लोगों ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि यह एक जियोड आकृति में है। इसको समझने के लिए हम कह देते हैं कि यह गोल है साधारण भाषा में, लेकिन यह है जियोइड आकृति में। देखिए, हमारा जो शरीर है, आप देख रहे हैं ना, हमारा मुंह को देख लीजिए, आपको क्या लगता है, आपको लंबा लग रहा है कि गोल लग रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, लंबा लग रहा होगा ना, गोल लग रहा है। आप देख रहे हैं हमारा ये सर है, हमारा ये कपाल है ना, इसको आप समझ लीजिए पठार की तरह है। ये जो हमारा नाक निकला हुआ है इसको पर्वत समझ लीजिए, ये जो गाल निकला हुआ है इसको आप मैदान समझ लीजिए, है ना, ये सवाना का घास का मैदान लग रहा होगा आपको। तो ये सब जो है हमारा एक अलग ही शेप है, हम कैसे दिखते हैं यह शेप कहलाता है। तो पृथ्वी जो है, जिसको दूर से देखने पर यह लगभग गोल नजर आती है, क्योंकि गोल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है ना, यह 3D है, इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, इसमें मोटाई भी है। देखते हैं, नीचे चले जाएंगे गहराई में तो इसका एक मोटा भी होगा, ये लंबाई भी है, एक चौड़ाई भी है, यानी कि पृथ्वी में ये तीनों डायमेंशंस है। आप यहाँ पे ग्लोब को देखिए, इस ग्लोब को देख करके आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें मोटाई भी है, इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, ये तीनों चीज़ें, ये पृथ्वी का असली मॉडल होता है और समझने के लिए अत्यंत जरूरी होता है। इसको देख करके आपको पता लग रहा होगा कि कैसे पृथ्वी है। देखिए, पृथ्वी जो है आकाश में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, और कोई भी आकाशीय पिंड अगर स्वतंत्र रूप से कहीं पर लटका हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तभी वो लटकेगा। तो उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको कहिए। तो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण सभी आकाशीय पिंड अंतरिक्ष में अटके हुए हैं, पृथ्वी भी उसी तरह से कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण अटकी हुई है। और इस पे एक उत्तर का और एक दक्षिण का दो ध्रुव होते हैं, जैसे हमारे शरीर में भी दो ध्रुव होता है। ये जो हमारा सर के ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना सर, इसको आप एक नॉर्थ पोल कह सकते हैं, और नीचे वाला जो है हिस्सा उसको आप साउथ पोल कह सकते हैं, है ना। और अगर नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, तो बीच में एक्सिस भी होगा, जैसे हमारे शरीर में भी एक्सिस होता है। देखते हैं, जब जवान रहते हैं तो सीधा रहता है, बूढ़े हो जाते हैं तो झुक जाते हैं, ये एक्सिस टेढ़ा हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सिस है जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी में, उसको ग्लोब कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम शेप को पहले समझते हैं। देखिए, जियोइड होता क्या है? जियोइड एक प्रकार का कल्पना है, एक प्रकार का इमेजिनेशन है। बहुत सारे इमेजिनेशन पृथ्वी में है, जैसे अक्षांश भी इमेजिनेशन है, और अब देशांतर भी इमेजिनेशंस है, और सारे कंटूर्स लाइन वगैरह जो होते हैं ये सब के सब इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि समझने में आसानी होता है, उसके बिना जो है चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। गणित में भी इमेजिनेशन करते हैं, दुनिया भी इमेजिनेशन से चल रही है। अब आप देखिए, शेप जियोइड कहेंगे किसको? देखिए, पृथ्वी की असली आकृति इस तरह की है। आप जानते हैं ना, कहीं पे माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा पहाड़ है एकदम से 8848 मीटर तक, और देखते हैं कि कहीं कहीं पे एक मेरियाना ट्रेंच समुद्र के अंदर में एकदम गहरा पार्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे फिलीपींस है, यहीं पे है। तो एक तो गहरा हो गया, एक एकदम ऊंचा हो गया, और ऐसा ऐसा सभी जगह पे है। आप देखेंगे कि पर्वत तो कई जगह है 5,000-5,000 मीटर ऊंचे है, कहीं 4,000 मीटर है, कहीं 6,000 मीटर ऊंचे है, और डिप्स तो कई जगह है जो 4,000-5,000-6,000-7,000 मीटर नीचे है। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है ना, ऐसा है नहीं शेप में, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं बहुत नीचा है, है ना। अगर इस पूरे पृथ्वी पर से जल को सोख लिया जाए तो एकदम गड्ढा गड्ढा आपको कहीं कहीं पर नजर आएगा, कहीं ऊंचा कहीं गड्ढा, इस तरह से। तो ऐसे में पृथ्वी का अध्ययन किस तरह से किया जाए, उसको एक फॉर्मूला के अंदर, एक गणितीय फॉर्मूला के अंदर में एक कल्पना किया गया, एक रेखा का, उसको बोलते हैं जियोइड। ये जो डॉट डॉट आप देखते हैं ना, ये जियोइड है, आपको नजर आ रहा हो ये गोल गोल, इसको जियोइड बोलते हैं। लेकिन वास्तव में आकृति कैसी है, वो इस तरह की है। अब देखिए, जहाँ पे पृथ्वी का ऊंचा भाग है, जहाँ पे ज़्यादा ऊंचा है उसको एवरेज मान लिया जाता है, जो नीचा भाग है उसको भी एवरेज मान लेते हैं। जैसे ऊंचा वाला भाग को क्या किया है, यहाँ से एवरेज मान लिया, ये भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा था, ये भी ऊंचा था, इसको एवरेज मान लिया। और जो नीचा था, ये जो इसे ये पार्ट आप देख रहे हैं कि ये जो है नीचा पार्ट है, तो इसको हम ऊपर से खींच लिए, नीचा वाला पार्ट को एवरेज मानते हैं, यानी कि
ऊपर का पार्ट और निचल का पार्ट दोनों को एवरेज मानते हुए एक डॉटेड लाइन खींच दिया गया है, इसी को बोलते हैं जियोइड। यह कल्पना है, यह काल्पनिक लाइन होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है जियोइड इज द स्फीयर थ्रू द मीन हाइट एंड मीन डेथ फ्रॉम AMSL, यानी कि इसको कहा जाता है एवरेज मीन सी लेवल। किसी भी वस्तु या किसी भी स्थलाकृति है उसका अगर हाइट नापना हो तो AMS यानी एवरेज मीन सी लेवल से मापा जाता है, तो पता लगता है कि वो कितना ऊंचा है। जैसे एवरेस्ट की ही ऊंचाई जो हम कहते हैं, वह एवरेस्ट के नज़दीक में जा करके नीचे से नहीं नापते हैं उसको, चेन्नई के समुद्र तट या फिर आपको कच्छ वाला जो एरिया है, आपको अरब सागर वाला, वहाँ से उसको मापते हैं। एवरेज मीन सी लेवल उसी को बोलते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए, पृथ्वी जब बना तो बहुत गर्म था, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ है। ठंडा होने के क्रम में कुछ पार्ट उसके नीचे धंस गए, कुछ पार्ट ऊपर ही उठे रह गए। गुरुत्वाकर्षण भी तो है ना पृथ्वी के अंदर में, तो जो पार्ट नीचे धंसा हुआ है उसको गुरुत्वाकर्षण बहुत तेजी से खींच लिया, जो पार्ट ऊपर है इसका मतलब है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा कम होगा। वैसे भी ग्रेविटी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे घटता जाता है, तो ये साधारण सी बात है। अब आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी क्वेश्चन करेंगे कि भैया पृथ्वी की आकृति हमको तो लगता है नारंगी के समान है, हमको तो लगता है सेव के समान है, अंडाकार है, ये सब कुछ नहीं, सबको भूल जाइए। पृथ्वी की आकृति जियोइड शेप में है और इसको एक और शेप का नाम दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं लद्वक्ष गोलाप। एक्चुअली पृथ्वी है क्या, हम आपको बता देते हैं कि पृथ्वी एकदम गोल भी नहीं है, यह बीच में फूली हुई है। बीच में जो है ना, एकदम इस बीच में जो बीचों बीच एक लाइन हम इक्वेटर खींचते हैं, इसके आसपास वाला एरिया जो है ये उभरी हुई है, और ऊपर जो है ये एरिया आप देखते हैं ध्रुव इसको कहेंगे, ये चपटी है, इस तरह से चपटी है। जैसे लगता है ना कि आप गोल आटा गूंथ लीजिए और ऊपर से और नीचे से जोर से उसको दबा दीजिए, तो कैसी आकृति बन जाएगी, दोनों तरफ से चपटा और बीच में उभरा हुआ, इस तरह से आकृति बन जाएगा। ये जैसे आप ग्लोब को देख रहे हैं, बीच में आप देख रहे हैं नहीं, उभरा हुआ है और ऊपर देखते हैं चपटा है, ये आप देखने से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आप देखिए इसमें कि चूंकि बीच में उभरा हुआ है, इसीलिए अगर इसका डिस्टेंस नापेंगे, इसके डायमीटर को मापेंगे, तो ये होता है 12756 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है 12756 किलोमीटर। और अगर इसका ध्रुवीय व्यास अगर नापे, तो ध्रुवीय जो है क्योंकि दोनों तरफ से चपटा हो जाता है, इसलिए इसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी और कितना हो जाएगा, ये 12714 किलोमीटर है, तो 12756 से 12714 कम है, इसीलिए ऐसी आकृति को कहेंगे लद्वक्ष गुलाब। इसका एक नामकरण कर दिया जाता है लद्वक्ष गुलाब। लद्वक्ष माने क्या, ओबलेट, यानी कि दो तरफ से धसा हुआ और ग्लोब और बीच में उभरा हुआ। और गुलाब किसको कहेंगे, जिसमें 3D यानी कि लंबाई भी हो, चौड़ाई हो और मोटाई भी हो। मानचित्र आप देखते हैं कहीं पे टंगा हुआ रहता है तो वो 3D नहीं होता है, उसमें खाली लंबाई चौड़ाई दिखा दिया, लेकिन ये जो ग्लोब है ये 3D है, इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई सब दिखा रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे ओबलेट स्फेरियड या फिर कहेंगे जियोइड। तो अब आप शेप के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसका कुछ अनुभव भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में जो सूर्य उदय होता है वो अलग अलग समय पे होता है। जापान में पहले उग गया, भारत में उसके बाद आता है, उसके बाद फिर ब्रिटेन में, उसके बाद अमेरिका, ऐसे होते रहता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने जगह पे स्थिर नहीं है। ये पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर लगातार रोटेट करती रहती है। आप देखेंगे ना, ये पश्चिम से पूरब की तरफ लगातार रोटेट करती रहती है, इसीलिए ऐसा होता है। और चूंकि गोल नहीं होता तो पूरे दुनिया में एक ही साथ सूर्योदय होना चाहिए था और एक ही साथ सूर्यास्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी गोल है, यह तो स्पष्ट है। साथ ही साथ आप समुद्र के किनारे कभी खड़े हो जाइए, समुद्र बहुत दूर तक विस्तृत रहता है, आप देखेंगे उधर से जो जहाज आ रहा होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा आपको पहले दिखाई देगा, है ना, इस तरह से रहता है, ऊपर वाला पहले दिखाई देगा और धीरे 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 उसका पूरा हिस्सा दिखाई देगा, लगेगा कि जैसे कोई गड्ढा से निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी गोल है। अगर वह गोल नहीं होता एकदम जो है इस तरह से होता, तब तो हम एक ही साथ उसको देख लेते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी तो गोल है, इसीलिए हम उसको एक साथ नहीं देख पाते हैं। धीरे धीरे हम उसको पहले ऊपर का हिस्सा, उसके बाद धीरे धीरे नीचे तक का हिस्सा देखते हैं, ये प्रमाणित करता है कि गोल है। और देखिए, समय यानी टाइम भी पूरी दुनिया में अलग अलग होता है ना, सब जगह, तो समय का निर्धारण देशांतर से होता है। अब आप देखेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर एक रेखा खींची जाती है जो इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है, इसको खड़ी रेखा भी बोल देते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ये जो रेखा है ना इसको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा है। और साथ ही साथ इसमें एक और रेखा देखते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बीच से काट रही है, यहाँ वाला, और साथ ही साथ इस पर खींचा जाता है इस तरह से
पश्चिम से पूरब की ओर, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा, इसको कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसके बारे में हम आपको अगला क्लास में ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए कि अध्ययन की सुविधा के लिए जरूरी होता है। ये रेखा अगर नहीं खींची जाती ना ऊपर से नीचे की ओर, तो इससे समय का निर्धारण हम कैसे कर पाते, नहीं कर पाते। इसके लिए जरूरी है, इसी देशांतर को ना पार करता है सूरज, या फिर आप कहिए कि पृथ्वी ही घूम जाती है, तो इसलिए एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग जाता है सूरज को, तो ऐसे 360 पार करने में 24 घंटा लग जाता है, तो इससे वो हो गया। और ये जो लैटिट्यूड है इससे पता लग जाता है, अगर भाई साहब आपको पता हो कहीं का लैटिट्यूड, तो आप उस जगह के जलवायु को जान पाएंगे, आप बड़े आसानी से उस जगह के क्लाइमेट के बारे में आप अनुमान लगा सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड के आधार पे। और दोनों को मिला दीजिए तब किसी जगह के लोकेशन, किसी जगह के पोजीशन को जान पाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन क्या है उस जगह का वो आप जान पाएंगे। तो ये आप समझ गए हैं। अब आप देखिए इसमें एक चंद्र ग्रहण होता है, तो आप देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण में आप देखेंगे कि एक तरफ सूरज है, बीच में पृथ्वी है, एक तरफ चंद्रमा है, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ता है। अब नीचे से अगर देखेंगे चंद्रमा पर, तो पृथ्वी की जो छाया पड़ रही है वो गोल होता है, तो गोल होगा तभी तो गोल का छाया गोल पड़ेगा। ऐसे भी कोई किसी भी आदमी का जिस तरह का आकार होता है उस तरह का छाया बन जाता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा लेकिन मोटा मोटी तो वही होगा ना जी। तो इससे क्या पता लगता है कि पृथ्वी गोल है। ऐसे भी आकाशीय पिंड में अधिकांश आकाशीय पिंड जो है वो गोल ही है। अगर पृथ्वी रोटेट करती रहती है इस तरह से पश्चिम से पूरब, तो इसके कारण भी एक गोल आकृति बन जाता है। इसके पीछे का ये भी कारण है कि रोटेट करती रहती है, इसके कारण ये गोल बन गई है। तो इसको आप समझ गए हैं। उसी तरह से आप क्षितिज, तो कुछ लोग बोलते हैं आकाश। अब आकाश को देखिए ना, दूर तक नजर डालिएगा तो लगेगा कि आकाश कहीं से घिरा हुआ है, पृथ्वी से सटा हुआ आपको नजर आएगा, लगता है कि आकाश कहीं ना कहीं पे घिरा हुआ है। अगर पृथ्वी गोल नहीं होता तो उसको आप नीचे की ओर सटे हुए दिखाई नहीं पड़ता, वो आप देख नहीं पाते, बीच में आप पूरा गैप रहता, आप उसे दूर तक नजर आता, आपको कहीं भी सटा हुआ नजर नहीं आता, लेकिन वो सटा हुआ नजर आता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी गोल है, तभी वह आकाश कहीं ना कहीं सटा हुआ नजर आता है। ये तो साबित हो गया कि पृथ्वी, हम गोल गोल बार बार जो शब्द बोल रहे हैं ना, तो ये आप मत समझिए कि गोल, हमारे कहने का मतलब है कि जियोइड आकृति का है या लद्वक्ष गोलाब ओबलेट स्फेरियड है। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब इसमें ये देखिए कि अगर परिधि की बात करें, तो ये जो आप देखते हैं ना, ये जो बीच है इक्वेटोरियल परिधि, इसको कहते हैं विषुवत रेखीय परिधि। अगर इसको मापा जाए, यानी चारों तरफ वाला जो घेरा है उसको, तो इसको किलोमीटर में मापा गया, ये है 40,075 किलोमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा कि 40,075 किलोमीटर है इसका विषुवतीय रेखीय आपका परिधि। और अगर ध्रुवीय परिधि की बात करें, तो वो तो चपटा है, तो दोनों तरफ से इसका परिधि भी कम हो जाएगा, तो इसको ध्रुवीय परिधि कितना है 40,008 किलोमीटर, जबकि विषुवतीय परिधि कितना है 40,075 किलोमीटर। अब आप भूगोल के अर्थ को समझिए। देखिए हिंदी का जो भूगोल का शब्द है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, इसके लिए आपको अंग्रेजी में जाना पड़ता है। अंग्रेजी में भूगोल को कहते हैं जियोग्राफी। अब ये जो जियोग्राफी है, ये लिया गया है यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के जी और ग्राफो शब्द से लिया गया है। मतलब इसमें आप देखेंगे कि यह है शब्द जी प्लस ग्राफो, ग्राफो ये शब्द से बना हुआ है। अब कहेंगे भैया जी इसमें ओ नहीं है और वाई के जगह पे ओ है। देखिए ये अंग्रेजी का शब्द है और ये ग्रीक भाषा यूनानी का शब्द है, इसीलिए दोनों में तो अंतर होगा। अब देखिए जी का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब होता है टू डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना। इसका मतलब होता है पृथ्वी और इसका मतलब क्या हुआ, वर्णन करना। अब दोनों को अगर मिला दीजिए तो इसका क्या मतलब होता है, पृथ्वी का वर्णन करना, वैसा विज्ञान जो पृथ्वी का वर्णन करता हो, लेकिन किसका, सिर्फ सरफेस वाला एरिया को वर्णन करता है ना। अगर बहुत आकाश में उड़ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करेंगे, तो फिर वो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर में चले जाएंगे और अंदर में जाके अध्ययन करेंगे, किसी तरह से अंदर में चले जाइए बको टुकट के जैसे भी हो, तो वह जियोलॉजी हो जाएगा, जी ई ओ एल ओ जी वाई, जियोलॉजी हो जाएगा। जियोलॉजी माने भूगर्भ शास्त्र, ये भी स्पेशल साइंस है, यह भी वितरणों का अध्ययन करता है, यह भी अगर किसी तथ्य का, किसी घटनाओं का है ना क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करने वाला विद्वान विज्ञान है ये सब। तो
जूलॉजी मत समझ जाइएगा, जूलॉजी का अर्थ अलग होता है, जूलॉजी प्राणी शास्त्र अलग है, जियोलॉजी अलग है। तो अब आप इसके शाब्दिक अर्थ को भी समझ गए हैं। अब देखिए फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं, देखिए इसमें दो नाम आ जाता है, लोग अक्सर है इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं कि दोनों में आखिर फादर है कौन, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो एक व्यक्ति का नाम है हिकेटियस, हिकेटियस इसको फादर कहते हैं कुछ लोग, कुछ लोग एक और व्यक्ति है उसका नाम है इरेटोस्थनीज, इसको बोल देते हैं फादर, इरेटोस्थनीज। अब देखिएगा कि दोनों के दोनों विद्वान जो है यूनानी विद्वान है। यूनान कहाँ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनान है, आप देखेंगे टर्की, उसके बाद में जाएंगे ग्रीस, यूरोप में एक देश है यूनान, बहुत छोटा सा देश है अभी, उस जमाने में इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था और यहाँ बहुत बड़े बड़े राजा हुए थे, जैसे सिकंदर वगैरह जो है, अरस्तु वगैरह, ये बड़े बड़े फिलोसफर्स यहाँ पे थे उस समय, बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। वहीं पर हिकेटियस का जन्म हुआ, वहीं पर इरेटोस्थनीज है। अब कुछ लोग कहते हैं हिकेटियस है कि इरेटोस्थनीज, देखिए दोनों में अंतर है थोड़ा सा, दोनों को फादर कहा जाता है, लेकिन किसको क्या फादर कहा जाता है वो देखिए, हिकेटियस ने किताब लिखा था उसका नाम था जस पीरियोडस, उस किताब का नाम था जस पीरियोडस। जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, इसको हिंदी में कहेंगे पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन इसको कहा जाता है भूगोल का प्रथम किताब है, इससे पहले भूगोल का कोई किताब किसी ने नहीं लिखा था, इसी ने लिखा था, इसीलिए बुक का राइटर है ये, इसीलिए इसको कहेंगे भूगोल का पहला किताब इसने लिखा, इसलिए ये फादर है। लेकिन अब कहिएगा इरेटोस्थनीज भाई किसको, इरेटोस्थनीज को फादर कैसे कहते हैं, तो इसका कारण ये है कि इरेटोस्थनीज जो है, जो ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसको एक साथ समेट करके उसको एक वैज्ञानिकता का रूप दे दिया, यानी कि अब उसको पढ़ना समझना आसान हो गया, यानी कि एक सिस्टम में ला दिया उसको, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टमैटिक फादर, इसको कहते हैं फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, यानी कि व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज को, है ना। ऐसे दोनों को, इसका जन्म पहले हुआ था हिकेटियस, बड़ा है इरेटोस्थनीज से, इरेटोस्थनीज भी जो था बड़ा विद्वान था, इसने भी अक्षांश रेखाओं का कल्पना किया था, एक मानचित्र बनाया था, तो हम दोनों को कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो हिकेटियस भी है और इरेटोस्थनीज है, इरेटोस्थनीज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का फादर है और ये ज्योग्राफी का फादर है। तो अब आप ये दोनों को भी समझ गए हैं। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन आता है बराबर कि अर्थ सरफेस किसको कहते हैं, ये अर्थ सरफेस क्या होता है, ये अर्थ सरफेस यानी कि भूतल। अब देखिए भूतल, कुछ लोग कहेंगे भूतल यानी कि भूमि का ऊपर का जो ये हिस्सा है इसी को ना कहेंगे भूतल, इसके ऊपर से जो हम रहते हैं जहाँ पे, लेकिन ये नहीं है, इसके थोड़ा सा अंदर में भी जाना पड़ता है, जो क्रस्ट का पार्ट है, जैसे क्रस्ट मेंटल कोर जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसके अंदर में जाके, तो ऊपर का जो पार्ट है क्रस्ट ओ, और साथ ही साथ जो ऊपर का वायुमंडल है जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित करता है, जैसे क्षोभ मंडल जहाँ पे बिजली उजली करकता है, बादल बनता है, वर्षा उर्षा होता है, तो कोहरा कुहासा सब उसी में लगता है, तो क्षोभ मंडल वाला पार्ट को, यानी कि इसमें कौन कौन शामिल होगा, जलमंडल के, जलमंडल वाला पार्ट शामिल होगा, जलमंडल इस पे कौन शामिल होगा, इस पे जो भूतल का जो पार्ट है वो शामिल हो, यानी कि क्रस्ट वाला पार्ट शामिल होगा, भूपरपटी जिसको कहते हैं, भूपरपटी ये शामिल होगा इसमें, जलमंडल है और वायुमंडल का वह पार्ट जो हम लोगों को जब सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जैसे क्षोभ मंडल वाला पार्ट यानी कि निचला वायुमंडल, ये तीनों इसमें शामिल होता है, किसमें, भूतल में। तो आप याद रखे रहिएगा पृथ्वी जो है, अगर भूगोल में भूतल की कंसेप्ट आता है तो ये इसमें तीनों शामिल हो जाते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए और इंटरेस्टिंग बातों को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।